नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान के बूंदी जिला मुख्यालय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारा प्रयास है कि संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रत्येक दिव्यांग और वरिष्ठ जन को अगले एक वर्ष में सहायक उपकरण भेंट किए जाएंगे। दिव्यांगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना भी प्राथमिकता है। बूंदी के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर को संबोधित कर रहे थे। यहां आयोजित दो दिवसीय सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने तथा वरिष्ठ जनों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहायक उपकरण का तोहफा दिया। बूंदी और तलेड़ा क्षेत्र में पंजीकृत 500 से अधिक दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को 6,100 से अधिक सहायक उपकरण दिए, जिसमें 91 मोटराइज ट्राईसाइकिल सहित व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, छड़ी, चश्मा, बत्तीसी सहित अन्य कई प्रकार के सहायक उपकरण बांटे गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभा को संबोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए नए पंजीकरण और नए उपकरण और उपलब्ध करवाने की बात कही। साथ ही बिरला ने दिव्यांगजनों के लिए साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल उपकरण, कान, नाक आदि दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। वहीं ओम बिरला ने विकलांगों को साइकिल वितरित की, साइकिल चलाई और दिव्यांगों से फर्श पर बैठकर बात भी की। संवाददाता हरीश आचार्य की रिपोर्ट। मैं शानुभानु कापरेन से आई हुई हूँ। मुझे रजिस्ट्रेशन कराया, उसके तहत मुझे मोटरसाइकिल मिली है। और पहले क्या है, मुझे चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं कोचिंग जाने में इनमें बहुत परेशानी आती है। मतलब एक एक किलो दो दो किलोमीटर दूर पर कोचिंग जाना पड़ता है। इसलिए ओम श्रीमान ओम बिरला जी ने मुझे मोटरसाइकिल दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।